जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तेरह जनवरी और चौदह जनवरी 2024 के कुंभ राशि फल के बारे में ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी नक्षत्र क्या होंगे योग क्या बनेंगे कौन सा ग्रह राशि बदलेगा और इन सभी का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से होगा सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में विस्तार से तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें तो पहले इन्हीं दो दिनों के तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं तो तेरा जनवरी का दिन शनिवार का दिन है शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह ग्यारह बजे तक है उसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी श्रवण नक्षत्र और घनिष्ठ नक्षत्र रहेगा आज के दिन वज्र नाम के योग के साथ दिन की शुरुआत होगी लेकिन सुबह दस बजे के बाद ही सिद्धि नाम का योग बन जाएगा जो भगवान गणेश का योग है बेहद शुभ योग है चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे रात्रि तक सूर्य धनु राशि उत्तर साढ़ा नक्षत्र में इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है तो आज के दिन सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों ही योग बने हैं जो हर एक काम में सिद्धि दिलाने यानी सफलता दिलाने वाले योग कहे जाते हैं अब अगर आप चौदह जनवरी देखें तो ये दिन शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि सुबह आठ बजे तक उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी इस वर्ष की पहली विनायक चतुर्थी का दिन होगा ये घनिष्ठ नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र रहेंगे व्यतिपात नाम का योग बनेगा और साथ में बनेगा वरियान नाम का योग भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं एक कुबेर का योग है और दूसरा रुद्र का योग है चंद्रमा रात्रि में राशि बदलकर आ चुके हैं आपकी लगन में कुंभ राशि में जहां शनि मौजूद हैं, शनि और चंद्र की युति हो चुकी है और आज रात्रि में यहां 14 जनवरी की रात्रि में सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे हालांकि रात्रि में दो बजे होगा तो जो पंद्रह तारीख में आ जाएगा और नक्षत्र इनका है ही उत्तर साढ़ा नक्षत्र इसके अलावा इस दिन बना हुआ है रवि योग भी तो ये हो गई हमारी ग्रहों की स्थिति अब इसी के आधार पर जानेंगे ये दो दिन कैसे हैं क्या लाभ मिलेंगे क्या सावधानी रखनी है क्या उपाय कर सकते हैं क्या शुभ रंग है क्या शुभ समय है तो पहले बात करेंगे तेरह जनवरी के बारे में ये दिन आपके स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी अच्छा दिन है एनर्जेटिक रहेंगे अपने काम पर ध्यान देंगे और आपका जो व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा रहेगा अब अगर व्यवहार अच्छा हो तो दूसरों का ध्यान बड़ी जल्दी आकर्षित करता है क्योंकि आप सबकी सुनेंगे सबकी सुनेंगे भी सबकी मानेंगे भी तो ये आपका आज का दिन जो है काफी अच्छी शुरुआत आपके लिए लेकर आया है धन से जुड़ा हुआ कोई भी मामला अगर कोर्ट कचहरी में अटका था तो उसमें आज विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है आज उसमें कुछ अच्छे जरूर होने वाला है और साथ ही आज के दिन धन लाभ के भी योग बने हुए हैं घरेलू मामलों की अगर बात करूं अगर काफ़ी लंबे समय से किसी काम को आप बड़ा पेंडिंग चलाते आ रहे थे कल पर टालते आ रहे थे तो हो सकता है आज आपको वो कार्य करना पड़ जाए और करें आज का दिन हिसाब किताब के लिए भी अच्छा है एक बजट बनाने के लिए भी अच्छा है अपनी बातों को सही साबित करने के लिए आज के दिन आप किसी अपने साथी से संगी से झगड़ भी सकते हैं होता है ना कई बार हम अपनी बातें बता रहे होते हैं या हमें कुछ बताना है सामने वाले को नहीं लगता तो आपको अपनी बात को साबित करने के लिए थोड़ी सी झगड़ा आज कर सकते हैं तो आपका साथी समझदारी दिखाएगा आपको शांत करने की कोशिश करेगा आप चाहे तो परेशानियों को मुस्कुरा कर दरकिनार कर सकते हैं या फिर उनमें फंस कर परेशान हो सकते हैं अब ये चुनाव तो आपको ही करना है जीवन साथी आज आपको अच्छा खासा वक्त देगा आपकी बात को यदि नहीं सुना जा रहा है तो फिर आप परिस्थितियों पर हावी भी रह सकते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें बस बाकी देखिए धन के मामले में मैं कहूंगी आज का दिन बहुत अच्छा है पारिवारिक जीवन भी आज आपका काफी अच्छा है और प्रेम जीवन के मामले में भी दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा पर जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको आज थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी चंद्रमा मकर राशि में ही होंगे इस दिन तेरह जनवरी के दिन तो आज अपने लक्ष्य को जो आपने निर्धारित किए हैं उनके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो अच्छा रहेगा और एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है काम को लेकर चिंतित तो रहेंगे लेकिन ध्यान भी देंगे अपनी जिंदगी में सुधार देखेंगे शाम का समय इस दिन बहुत अच्छा दिख रहा है छ बजे का छह बजे से बाद का समय काफी ज़्यादा शुभ दिखाई दे रहा है आज के मामले में और आज के दिन आपको कोई एक ऐसे काम में सफलता मिल सकती है जहाँ धन फंसा हुआ था धन संबंधी परेशानियों का हल निकलेगा जो इस राशि के आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं उनको बेहतर परिणाम मिलेंगे आपका कोई दोस्त आज आपकी किसी परेशानी को सुलझाने का कार्य भी करेगा और ये दिन मैं कह सकती हूँ कुल मिलाकर बहुत अच्छा रहने वाला है लाभ के अवसर आपको जरूर मिलेंगे प्रेम जीवन जीने वाले लोगों को भी आज खुशी मिलेगी प्रेम में नई नई योजनाएं आप बनाएंगे शादीशुदा लोगों को आज जीवन साथी के लिए कुछ खास करना पड़ सकता है क्योंकि वो थोड़ा नीरस महसूस कर रहे हैं तो एक दूसरे के प्रति भावनाओं को जाहिर करें एक दूसरे का साथ दें ये दिन बहुत ही खुशनुमा रहेगा चौदह जनवरी की बात करते हैं चौदह जनवरी का दिन साल की पहली विनायक चतुर्थी है भगवान गणेश का दिन है व्यतिपात नाम के योग के साथ तो दिन की शुरुआत होगी लेकिन उसके बाद जो बनेगा वो होगा वरियाना योग जो कि कुबेर का योग है अब यहाँ चंद्रमा जो है वो शनि के साथ होंगे शनि और चंद्र की युति होने वाली है तो इस ग्रहों की स्थिति से आप अगर किसी मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं उससे संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो आज आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है ये अवसर अचानक आ सकता है इसलिए थोड़ा सा अपनी आँख कानों को खुला रखें आपकी जो कड़ी मेहनत है उसका फल आपको जल्दी मिलेगा तो तैयार रहें क्योंकि जब फल मिलता है तो आपको बड़ी हड़बड़ी हो जाती है आज का दिन आपके लिए इसलिए भी विशेष है कि आज आप अपने साथी के साथ समय भी बिताएंगे कुछ सृजनात्मक कार्य करेंगे और कुछ खर्चा भी करेंगे आज कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं घर परिवार के लोगों के लिए कुछ खर्चे का योग भी बना हुआ है लेकिन यहाँ ध्यान इस बात का रखना है कि अति खर्च करने से बचे संतुलन बनाए रखें संतुलन बिगड़ा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस संतुलन को ठीक करना तो उस चीज़ का तो आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा बाकी देखिए भगवान गणेश का दिन है अपने जो दिन की शुरुआत है भगवान गणेश की आराधना के साथ आप कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा है अब इस दिन जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सही दिन रहने वाला है शनि और चंद्र की युति है जिसका सीधा सीधा प्रभाव जो आपका मन है उस पर होगा आपके व्यक्तित्व पर होगा तो थोड़ा सा फोकस करके चलें स्टूडेंट इस दिन क्योंकि आपका ध्यान भटक सकता है अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो अपनी आँख बिल्कुल खुला रखें ध्यान दें कि क्या चल रहा है आपके आसपास प्रेम संबंध ठीक ठाक हैं अगर आप अपने साथी को दबाकर हर समय अपनी बात मनवाना चाहते हैं जो सत्य बिल्कुल नहीं है तो आपको ये चीजें बंद करनी होंगी वरना टकराव होना उचित टकराव होना तय है और उसे रोक पाना आपके लिए नहीं होगा तो इसलिए थोड़ा सा यहां ध्यान आपको जरूर देना होगा बाकी मामलों में आज का दिन जो है वो अच्छा होने वाला है बाकी चीजें अगर आप बात करें करियर की बात कर लें वित्तीय स्थिति की बात करें तो ठीक ठाक स्थितियां बनने वाली हैं योगों का प्रभाव भी है रात्रि में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा जिसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाली हूं कि सूर्य का जो गोचर है वो आपको कैसे रिजल्ट देगा उपाय की बात करूं तेरह जनवरी को शनिवार का दिन है तो गुड़ का हलवा बनाएं गरीबों में बांटें इससे आपको बहुत अच्छी खुशियां प्राप्त होंगी साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें